ओम अज्ञान तिमरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम् सागरजातम् सहगण रघुनाथान्वितम् तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानुतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुतय देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरे प्रिय बहन भाइयों गीत प्रभात सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय गोपाल। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए और आज की सभा का आनंद लीजिए। सभा का भजन है बहुत सुंदर। आज ये गीत प्रभु जी श्री भगवान श्री के चरण कमलों में ये अर्पित करता हूँ। भजन करूँगा हरि हर जी का, मन से संकल्प उठता है, चित्त से विचार, हृदय से प्रेम, नाभि से श्रद्धा। भजन करूंगा हरिहर जी का, यथा नाम वैष्णव शंभु। ये ब्रह्मांड में परम वैष्णव भगवान शंकर है, उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं। वैष्णव की सेवा हरि की सेवा, जीवे दया नामे रुचि, भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए, जीवों पर दया और वैष्णव सेवा हरि की भक्ति कहलाई है। नामे रुचि, भगवान के नामों में रुचि। भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन बिना यह जीवन फीका, भजन बिना यह जीवन फीका, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का। नित उठ भन नित उठ मंजन कर हरि सिमरूं, ध्यान धरूं भगवान न बिसरूं। नित उठ मंजन कर हरि सिमरूं, ध्यान धरूं भगवान न बिसरूं। बिड़वा सींचूं तुलसी जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का। बिड़वा सींचूं तुलसी जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन बिना यह जीवन फीका, भजन बिना यह जीवन फीका, भजन करूंगा हरिहर जी का। हरि चरणामृत पान करूंगा, हरि चरणामृत पान करूंगा, संतन का सम्मान करूंगा, संतन का सम्मान करूंगा, तिलक करूंगा नटवर जी का, तिलक करूंगा नटवर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का। भजन बिना यह जीवन फीका, भजन बिना यह जीवन फीका, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का। जुगल चरण छवि ध्यान धरूंगा, जुगल चरण छवि ध्यान धरूंगा, भक्तन के से काम करूंगा, भक्तन के से काम करूंगा, तुलसी माला चंदन टीका, तुलसी माला चंदन टीका, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन बिना यह जीवन फीका, भजन बिना यह जीवन फीका, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन बिना ये जीवन फीका, भजन बिना ये जीवन फीका, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का। श्यामल मूर्ति सांवरिया की, मधुर मनोहर हरि की झांकी, श्यामल मूरत सांवरिया की, मधुर मनोहर
हरि की झांकी मधुर मनोहर, हरि की झांकी मधुर मनोहर, हरि की झांकी ब्रज में तोड़े माखन छींका, ब्रज में तोड़े माखन छींका, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा नटवर जी का, भजन बिनाय जीवन फीका, भजन बिनाय जीवन फीका, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का। शरण गहूंगा सिंधु तरूंगा, शरण गहूंगा सिंधु तरूंगा, भजन करूंगा भजन करूंगा, भजन करूंगा भजन करूंगा। सांखे फकीरा राधेवर जी का, सांखे फकीरा राधेवर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन बिनाय जीवन फीका, भजन बिनाय जीवन फीका, भजन करूंगा नटवर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का, भजन करूंगा हरिहर जी का। जय गोपाल। आज की सभा में सिर्फ यही एक गीत था, आप लोगों को सुना दिया, बाकी और कुछ सुनना चाहें तो सुन लीजिए। भगवान की लीला कथाओं के विषय में आपको रुचि है तो अवश्य मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। भगवान ने गीता में कहा है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मने षष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारा संसार में अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी जीव आत्माएं हैं ये सब मेरे अंश हैं, अंशानुवंश। मने षष्ठाणि इंद्रियाणि, भगवान के अंश है आत्मा, सच्चिदानंद है आत्मा के अंदर, यानी आप लोगों के हमारे अंदर वही गुण विद्यमान है जो परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण में है। लेकिन हम गुण रूप से गुण विशेष से भगवान के समान हैं, ऐसे ही जैसे समुद्र की एक बूंद को अगर नापतोल किया जाए, एग्जामिनेशन किया जाए, तो जो समुद्र में गुण है जैसा भी कटुआ अम्ल खारा, वो सभी गुण उस बूंद के अंदर से, वो डीएनए है समुद्र का, मालूम चल जाता है। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं बूंद की तरह, ममे वांश जीव लोग मेरे अंश हैं। केशाग्रे शत भागस्य शतांश है सादृशात्मका, ये जीव का स्वरूप अति सूक्ष्म है, जीव सूक्ष्म अति सूक्ष्म
स्वरूप है और ये असंख्य जीवात्माएं हैं अनंत में, जिनको कोई काउंट नहीं कर सका। ये सभी भगवान के अंश हैं, तो इसलिए अंश होने के नाते से भगवान के जैसे गुण विशेष हमारे अंदर विद्यमान है। सत चिदानंद, हम भी ट्रुथफुल सत्य है, इटर्नल है, फॉर एवर, हमेशा के लिए आध्यात्मिक है, बुद्धिमान है और आनंद स्वरूप है, पूर्ण आनंद में है। हम जब कभी अपने असली स्वरूप में थे या मार्जन करके हो जाए उस स्वरूप में, उस स्वरूप को, उस स्वभाव को जो ओरिजिनल मूल प्रकृति हमारी है, मूल स्वभाव, उसको हम प्राप्त हो जाए भजन करके, ध्यान करके, तप करके, यज्ञ करके, दान करके, अनेक विभिन्न मार्गों से कोई भी मार्ग चुन लें, यदि हम उस मूल प्रकृति को, मूल हमारे स्वयं के मूल स्वभाव को प्राप्त हो जाए तो हम सच्चिदानंद हैं, बड़े निर्मल, फॉर एवर, हमेशा के लिए आध्यात्मिक हैं और आनंद स्वरूप हैं। फिर दुख, कलेश, जमदूत हमारे नज़दीक नहीं आते, उसके लिए भजन किया जाता है या योग साधनाएं की जाती हैं, तप यज्ञ किए जाते हैं निर्मलता के लिए, उस मूल स्वभाव को पाने के लिए जो आच्छादित हो गया है, कवर्ड हो गया है, जैसे बादलों से चमकता हुआ सूर्य छुप जाता है, ठीक वैसे ही हमारा मूल स्वभाव जो निर्मल है, सत्य है, आनंद स्वरूप है, दया स्वरूप है, क्षमा स्वरूप है, सारी 26 गुण जिसके अंदर विद्यमान है, आध्यात्मिक गुण, डिवाइन क्वालिटीज, वो हमको प्राप्त होती हैं, तो हमारी मोक्ष तो हमारी प्रतीक्षा करती है, हरिधाम हमारा इंतजार करता है कि आइए। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को समझने के लिए भक्त भजन करता है और इस भवसागर को पार कर जाता है, फिर जन्म मरण जरा व्याधि के शिकार नहीं होता, उस सदैव के लिए आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ जगत, इटर्निटी को प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर साक्षात अपनी अभिलाषाओं के अनुसार भगवान की सेवा करता है, भगवान को रिझाता है। वो परम आनंद, कहाँ हीरे कहाँ कांच के टुकड़े, ठीक वैसे ही। जय गोपाल। आज की सभा को यहाँ विराम देते हुए आप लोगों से विदा चाहूँगा और आपसे निवेदन करूँगा, सभी से जो इस सभा को सुन रहे हैं, हरि को न बिसारी, हरि के बिसारने से अंधेरा हो जाता है जीवन, उस प्रभु को स्मरण कीजिए सदैव, वो एक ही है सबका, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है कि हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, ईसाई का अलग है, वही क्रिश्चियन, जूस का अलग है या बुद्धिस्ट का अलग है, नहीं, एक ही है, हम सब एक ही पिता की संतान हैं, एक ही परमेश्वर है, एक ही परम शक्ति है जो हमारे सबके हृदय में भी विराजमान है, उनको प्रणाम कीजिए और निर्मल पवित्र काम कीजिए जीवन में, जिससे उनका फल मीठा है और आपको आनंद मिले। जय गोपाल।